गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी साथियों, आई एम प्रोफेसर सुनील अग्रवाल. आई एम इन्वेंटर ऑफ द कलर थेरेपी. हाउ यू कैन हील योर सेल विद द हेल्प ऑफ द कलर विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी मेडिसिन एंड विदाउट एनीथिंग. तो आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये मैं अपने AIHR जो मेरी एसोसिएशन है उसके प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. आज जो वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है CYSTITIS. इंग्लिश में आई कैन स्पेल इट CYSITIS. CYSTITIS इज अ टाइप ऑफ डिसीज विच स्टार्ट और जनरेट इन द बॉडी by a virus or a bacteria known as COLI, COLI, COLI. ये COLI नाम का bacteria जो है ये आपके large intestine के अंदर होता है, और जो large intestine में अंदर जो bacteria होता है, जब हम लोग stool pass करते हैं, bowel movement के लिए जाते हैं, तो bowel movement के बाद जब हम water से उसको wash करते हैं, तो इन इंडिया वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग द एनस एरिया विद द हेल्प ऑफ द वाटर. बट इन यूरोपियन पीपल दे आर यूजिंग द टिश्यू पेपर. टिश्यू पेपर से जब साफ करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया उस कागज के साथ वेस्ट में चला जाता है. लेकिन जब हम पानी के साथ वॉश करते हैं और हैंड को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो ये कोली नाम का वायरस जो है, ये वायरस आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर वहां से एंट्री कर लेता है. और जब ये वहां से एंट्री कर लेता है तो इस वायरस का क्या रोल होता है, किस तरह से ये इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आज मैं उसी सब को बात करूंगा. तो ये कोली नाम का वायरस जो है ये एनस से निकलता है, और जब स्टूल को वॉश करते हैं तो वो आपके हाथ से ऊपर की तरफ आके विजाइनल एरिया से वो वायरस या बैक्टीरिया आपके विजाइनल पार्ट के अंदर एंटर कर जाता है. जब वहां से वो अंदर को एंटर करता है तो वो बैक्टीरिया जो है फिर अपना वो ट्रैक बना लेता है. वो ट्रैक बना के कहाँ जाएगा, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा. यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाने के बाद वो फिर आपकी किडनी के अंदर जाएगा. जब वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहेगा तो वहां पर आपको वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा. यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कई तरह के इश्यूज आ जाएंगे, बर्निंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत तरह के इश्यूज आएंगे. जो इश्यूज आएंगे उनको मैं जस्ट आपके सामने कर रहा हूँ. प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन आपको करेगा, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, और आपके ब्लैडर के अंदर सिस्ट क्रिएट कर सकता है, और फीमेल के अंदर यह कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और यह विजाइनल पार्ट जो है उसको भी आपके इफेक्ट करेगा. विजाइनल के अंदर इन्फेक्शन करेगा, विजाइनल के अंदर इचिंग करेगा, और विजाइनल से होता हुआ ये ब्लैडर में जाएगा, और ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा तक चला जाएगा, जो आपका किडनी और ब्लैडर के साथ लिंक होती है ट्यूब, जिससे आपका यूरिन पास होता है, उसको जाके इफेक्टेड कर देता है. इतनी जगह पे ये जाके जब इफेक्ट करेगा तो एज ए रिजल्ट जो है कई बार ये वायरस किडनी के अंदर जाके किडनी के अंदर सिस्ट बना देता है. तो किडनी के अंदर जब सिस्ट बन जाएगा तो किडनी की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो किडनी का फिल्ट्रेशन पावर है, वो थोड़ा सा इफेक्टेड होता है, और किडनी के अंदर आपको पेन भी हो सकता है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो जब भी आप लोग वॉश करने के लिए टॉयलेट में जाते हैं और आपको स्टूल को वॉश करना पड़ता है, तो बी केयरफुल, ऑलवेज ट्राई टू वॉश इन ए रिवर्स डायरेक्शन, सो दैट कोली नाम का बैक्टीरिया जो है वो आपके विजाइनल एरिया या ब्लैडर एरिया या किडनी एरिया के अंदर उसको एंटर करके इफेक्ट ना करे, हार्म ना पहुंचाए. ठीक है, इसके बाद फिर मैं एक सेकंड वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसके रीजन और बाकी चीजें और डिस्कस करूंगा.
तो ये दो तीन पार्ट में वीडियो होगा, तो आप लोग जब इसको कंटिन्यूअसली देखेंगे, दोनों तीनों वीडियो को देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट लॉजिक, कंप्लीट ट्रीटमेंट, हाउ यू कैन ट्रीट द यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन और जो सीआईटिस आपको होती है उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है AIHR इंटीग्रेटिव हेल्थ के नाम से है, तो उसको हमेशा आप लोग लाइक करिए और उसको जो भी इसमें कमेंट्स हैं वो दीजिए, और जो भी आपको लगता है कि दिस थिंग आई कैन ऐड, मैं उस चीज को और अच्छा कर सकता हूँ, प्लीज ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस। थैंक यू सो मच।